कि भारत में हम लोग जन्म पाए और ऐसा मूवी देखने का मौका मिले। भारत माता की तीसरी बार देखने जा रहे हैं पिक्चर, तीसरी बार देखने के लिए। क्यों आप तीसरी बार देखने के लिए? इसलिए कि देशभक्ति पिक्चर है, सनी देओल का उनका आवाज है, अभी भी दासत है जो तू चबा। दोस्तों मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं रात 24 न्यूज। दोस्तों आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग जनपद गाजीपुर में हैं और एक फिल्म जो चल रही है 4 दिन से गदर 2 जो आई हुई है, सुपर डुपर हिट हाउसफुल। कुछ लोग यहां पर टिकट के लिए आए हुए थे, उनको टिकट भी नहीं मिल पा रहा था। किस प्रकार से ये देशभक्ति से एक गदर प्रेम कहानी पर बनी हुई फिल्म जो है लोग देखने के लिए आए हुए हैं। आज 4 दिनों से मतलब हाउसफुल ये फिल्म जो चल रही है, हम आपको बता दें 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले की जो बनाई हुई फिल्म पर जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर, और अब तक जो ये फिल्म ने है आज के डेट में 300 करोड़ रुपए का कारोबार करके कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और इनसे मैं जहाँ क्या फिल्म देखने के लिए आए हैं? जी जी सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू सानी। क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर का फिल्म है, बस भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा जी, आप लोग सब लोग देखने के लिए आए हैं? जी। कहाँ से? जी जी वहाँ पहाड़पुर से। अच्छा पहाड़पुर से आए, पहाड़पुर देवकली। सर यही कहेंगे कि फिल्म हम लोग को दिल में जज्बात है, हम लोग इस फिल्म को देखेंगे। चलिए यहाँ पर तमाम लोग आए हैं फिल्म देखने के लिए आए हैं, अभी ये लोग देखेंगे। हमने कुछ लोगों से जानकारी लेना जब चाहा तो आए हुए थे बेचारे अभी देखने के लिए, उनको टिकट, हालांकि आज 15 अगस्त है, सब लोग अपने देश के लिए आज़ादी के लिए। और गदर जिस प्रकार से एक भाई साहब बता रहे थे कि मुंबई में जो है जो एक भाईंदर में सिनेमा था उस समय फूंक दिया गया था, जब पहली बार जो गदर 1 आई थी 2001 में, समझिए 2022, वही जोश और खरोश जो है सनी देओल और अमीषा पटेल की जो है। और किस प्रकार से देखिए, अब धीरे धीरे शो खत्म हो रहे हैं और हम लोग इधर आएंगे और यहां से आकर के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कैसे किस प्रकार से है। चचा फिल्म देखा आपने? हाँ? फिल्म देखा? हाँ? क्या नाम पड़ेगा आपका? आ जाइए इधर, आ जाइए। विश्वनाथ प्रताप सिंह। कैसी फिल्म लगी? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ। अम्मा फिल्म देखा आपने? हाँ। कैसी पिक्चर लगी? बहुत अच्छी लगी। देखिए तमाम लोग हैं और इस प्रकार से फिल्म देखा आपने? अभी देखे जाते हैं। अच्छा देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर थे, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे ये बताइए? कहना चाहते हैं कि ऐसा ही पिक्चर बने और लोग देखे, ऐसा ही पिक्चर बने देशभक्ति टाइप का और लोग देखे। अच्छा देखे देशभक्ति टाइप का। क्या इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा क्या चीज लगा ये बताइए? वही था कि अभी भी दहशत है, अभी भी दहशत है जो तू चापाकल उखाड़ने में। अच्छा चापाकल उठा लोग भाग जा रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान में आज भी मतलब जो है शोषण दहशत है इस तरह से है। देखिए तमाम लोग हैं। फिल्म देखा क्या अभी आपने? क्या फिल्म देखा? जबरदस्त फिल्म है। क्या कहना चाहेंगे? एकदम सब लोग देखें, पूरा हिंदुस्तान देखे। हाँ पूरा हिंदुस्तान देखे। हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सी सीन जो है इम्प्रेस? देशभक्ति से एकदम देशभक्ति से। देखिए एक ये प्रेम कहानी है। चलिए ठीक है। और जिस प्रकार से आंटी आपने फिल्म देखा? हाँ देखा। क्या क्या कहना चाहेंगी? अच्छी फिल्म देखनी चाहिए सब। अच्छी फिल्म है। हाँ। कौन सा आपको अच्छा इसमें सीन जो है कुछ इम्प्रेस जैसे करने के लिए क्या थी आप जैसे बताइए आप? सारे सीन अच्छे हैं, बच्चों फैमिली सबके लायक। अच्छा, है सबके लायक है। हाँ, सब लोग देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए तमाम लोग देख करके भैया आपने फिल्म देखा? जी जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसी फिल्म है ये? इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। है? हाँ, एक प्रेम कथा पर आधारित है। और जैसे आपने तो देखा, आप देखिए एक युवा है, आपसे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। अभी मामला सीमा हैदर का भी चल रहा है जिस प्रकार से है, अभी इस फिल्म में आपने देखा भी होगा सनी देओल का जो लड़का का रोल जो किया है, वो भी पाकिस्तान से शायद शादी करके ला रहा है, यही है ना इसमें? वही सीन है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो है, अगर कल्चर अगर इस तरह से हो रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सीमा हैदर हमारे देश में आई हुई है और इस तरह से, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए एक रियल लाइफ होता है और एक रियल लाइफ होता है, तो ये तो आप रियल लाइफ में देख करके आए हैं फिल्म को, और रियल लाइफ में इस तरह से जो चीज़ अगर हो रही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे?
अब इसके बारे में चलिए ठीक है। आप भैया कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे भैया, यही कहेंगे हम तीसरी बार देखने जा रहे हैं पिक्चर। तीसरी बार देखने के लिए? क्यों आप तीसरी बार देखने के लिए? इसलिए कि देशभक्ति पिक्चर है, सनी देओल का उनका आवाज है, 2.5 किलो का हाथ है, वही दमादार हाथ है, वही दमादार। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, रहेगा मेरा वादा। देखिए ये लोग, सभी लोग देख, जिंदाबाद। बहुत अच्छी मूवी है और मैं कह रहा हूँ सारे हिंदुस्तान के लोग इस मूवी को देखें और मैं चाहता हूँ आप सब लोग नारा लगाएं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखा फिल्म आपने? बहुत बढ़िया पिक्चर है। मेरा अनुरोध है सारे भारतवासियों को ये पिक्चर देखें, पिक्चर हॉल फुल भर के देखें और देशात्मबोध जगेगा इसमें देखने से। अच्छा, देशभक्ति जगेगा। सबसे इस फिल्म में आपको कौन सी ऐसी सीन जो है इम्प्रेस कर गई? सबसे बढ़िया जो लास्ट, जैसे उसको धोखा दिए थे भाई, लड़ते लड़ते वो पाकिस्तान बॉर्डर में चला गया था और वैसे ही जैसे धोखे में वो आया, लेकिन वहाँ इंसानियत की, सनी देओल ने इंसानियत दिखाई, लेकिन वो पाकिस्तान वाले नहीं दिखाई थे। ये सीखना चाहिए पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान वालों को कुल मिलाकर ये इंसानियत जो है सीखनी चाहिए। चाचा एक मिनट और आपसे बात थोड़ा सा करना चाहेंगे, आ जाइए। देखिए आप थोड़ा सा बड़े और बुजुर्ग हैं और लोगों को जिस प्रकार से, तो रियल लाइफ में फिल्म बनी है। अभी हम लोगों के देश में एक मामला चला सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से आई हुई है, अब उसके बारे में जैसे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश? सीमा हैदर के बारे में सरकार जांच कर रही है कैसे आई, क्या है वो एक जांच की विषय, अभी उसके बारे में कुछ बोलना सही नहीं होगा, कोई सही नहीं होगा। लेकिन ये फिल्म जो है जबरदस्त कमाई भी कर रही है और हाँ देखना चाहिए सभी। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लोग इस तरह से गदर 2 फिल्म काफी, क्या क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा रहा फिल्म, बहुत अच्छा मजेदार लगा, देशभक्ति है, जुनून है, क्या अच्छा लगा। चाहेंगे आप जुनून है बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मूवी है। आपको सबसे बढ़िया इस फिल्म में कौन सा सीन इम्प्रेस कर गया? हमें वो वाला सीन जब अपना बाप बेटा के लिए जाता है, उसको लाने के लिए जाता है, हमें अच्छा लगा ये सीन। और बेटा भी उतना ही है एक्साइटेड कि अपने बाप को बचाना है, ये दोनों दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन। पहला भी मूवी अच्छा था और ये भी मूवी अब अच्छा है। अच्छा एक चीज तुलना करके मुझे बताइए, करीब 22 साल पहले 2001 में गदर जो फिल्म आई थी, ये गदर 2 वही सनी देओल और अमीषा पटेल की है, तो आप जैसे क्या उस फिल्म में और इसमें क्या अंतर कुछ आपको देखने को मिला? नहीं नहीं, देखिए वो अलग मूवी था, बंटवारे का मूवी था, ये उसके बाद का मूवी है, जो 1945 का था वो, 1971 वाली ये मूवी है, तो उसके हिसाब से चेंज हो गया है सारा चीज, करेक्टर बड़ा हो गया, सारे चीज चेंज है, लेकिन अच्छा रहा मूवी, बहुत अच्छा रहा। मतलब लेकिन जोश और खरोश जो है दोनों दोनों में बराबर सेम है, उसमें भी सेम था, इसमें भी सेम है, सब जुनून और इसमें भी सेम है। अच्छा क्या नाम पड़ेगा आपका? पांडे, आदित्य पांडे। चलिए हम लोग आए मोहम्मदाबाद से देखने के लिए, मोहम्मदाबाद से कुछ लोगों को मैं देखा, बेचारे आए थे और उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया है, 500 रुपया कल की बुकिंग थी हम लोग। अच्छा, कल की बुकिंग, यानी 15 अगस्त पर आप लोग पहले से ही सचेत हो गए थे। चलिए भैया पूरे देशभक्ति से ओतप्रोत, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, देखिए क्या सब सब हम फ्रेंड है। अच्छा सब लोग, क्या नाम पड़ेगा? दीपक तिवारी। भारत माता की जय। मुमदवासी हम लोग हैं, क्या कहना? और बहुत सौभाग्य का बात है कि फिल्म देखकर आए हैं गदर 2। बहुत आनंद मिला गदर 2 देख के, हिंदुस्तान में रहने का जो है कि बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का है कि भारत में हम लोग जन्म पाए और ऐसा मूवी देखने का मौका मिल रहा है। अच्छा भारत में जन्मे हैं और ऐसा मूवी देखने के लिए मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लगा मूवी देख के, देशभक्ति का जुनून शक्ति और ताकत बड़ा हम लोग का मूवी देख के। अच्छा साथ में बुढ़िया गैंग इस मूवी को बाइकॉट कर रहा है, जबकि ये असली मूवी है, भारत की असली मूवी है ये, और पूरा वो जो बॉलीवुड है जो पूरा है चर्सी का है, चर्सी है और फेक है, और ये असली देशभक्त है। भारत।
माता की। और सनी देओल ही मेरा असली हीरो है, बाकी देओल सब फेल है, वही असली देशभक्त है। चलिए क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। बस यही कहना चाहेंगे भारत माता की जय, और सनी देओल या फिर किसी भी एक्टर की हमेशा ऐसी मूवी आती रहे जो पाकिस्तान को हमेशा रेलता रहे। हर हर महादेव, भारत माता की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या बोलिए? भारत माता की जय। जय। आज हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक ना सर? हाँ हाँ। और हमको बहुत खुशी है कि हमारा देश आजाद हुआ है, बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और आजादी के पर्व पर लोग गदर 2 देखने के लिए आए थे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद, भारत माता की जय।